हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स फ्रॉम हायर प्लांट सेल्स मीन्स दैट ड्यूरिंग सोमेटिक सेल न्यूक्लियर डिवीजन देयर इज ऑप्शंस आर ए नो अपेरेंट ऑर्गेनाइजर ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स, बी नो इक्वेटोरियल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज, सी नो न्यू सेल वॉल लेड डाउन एट टेलोफेज एंड डी नो स्पिंडल फॉर्म्ड. सो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि एक हायर प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट है. ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने एक सोमेटिक सेल ले लिया, सोमेटिक सेल विच इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे हम सोमेटिक सेल कहते हैं. तो इस सोमेटिक सेल के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिविजन हो रहा है. तो न्यूक्लियर डिविजन जो हो रहा है यहाँ पे, इस न्यूक्लियर डिविजन के अंदर क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है अगर, क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रियोल तो यहाँ पे एब्सेंट है, तो फिर इसके अंदर और कैसा इवेंट होगा. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस. ए ऑप्शन, नो अपेरेंट ऑर्गेनाइजर ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सेंट्रियोल नहीं है तो फिर सेंट्रियोल का काम होता है कि स्पिंडल को फॉर्म करना या इसे ऑर्गेनाइज करना, बट जब ये नहीं है तो कोई ऑर्गेनाइज नहीं करेगा. पहला ऑप्शन सही है, बट बिफोर दैट लेट्स सी अदर ऑप्शंस आल्सो. बी नो इक्वेशनल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि इक्वेशनल अरेंजमेंट तो होगा. ठीक है, सी ऑप्शन नो न्यू सेल वॉल लेड डाउन एट टेलोफेज, ये भी गलत है क्योंकि ये भी होगा, इट इज़ नॉट कंट्रोल बाय सेंट्रियोल, इसीलिए ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है. डी ऑप्शन नो स्पिंडल फॉर्म, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो क्योंकि स्पिंडल फॉर्म होता है, बस सेंट्रियोल के द्वारा स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, एक सिमिलर स्ट्रक्चर स्पिंडल की तरह बुके लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इस तरह से. ठीक है, बट एग्जैक्ट स्पिंडल नहीं फॉर्म होता है, इसीलिए हम इसको नहीं मान रहे हैं, इसको आंसर नहीं मान रहे क्योंकि स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ए ऑप्शन, दैट इज नो अपेरेंट ऑर्गेनाइजर ऑफ माइटोटिक स्पिंडल. ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.